हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सारा फैशन बुटीक में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्रेट लेकर के आई हूँ डोरी बनाने का। ये प्रोफेशनल लोग इसी को अपनाते हैं। तो ये जो डोरी बनाते हैं इसमें क्या होता है, बहुत मजबूती के साथ बनती है और एकदम एक बराबर बनती है हर तरफ से, एकदम मोटी और परफेक्ट डोरी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी आप डोरी बनाएं दोस्तों, एक मेन सीक्रेट ये भी होता है कि जो इसकी चौड़ाई है वो आपको ज़्यादा नहीं रखनी होती है, सिर्फ 1 इंच ही रखनी होती है। इसका आपने ध्यान रखना है। ये देखिए, आप कहीं से भी इसको मेज़र कर लें, 1 इंच ही होना चाहिए। आप चाहें तो इसको स्केल से मेज़र करके कटिंग कर सकते हैं पट्टी की, ठीक है। और ओरेप पट्टी लें हमेशा, आप चाहे सीधी डोरी बनाएं या कैसे भी, तो ओरेप पट्टी ही लें। तो ये तो हो गई एक चीज़। अब देखिए दूसरी चीज़ जो आज का मेन सीक्रेट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने इसे क्या करना है, हाफ मोड़ के जैसे हम इसको स्टिच करते हैं उसी तरीके से हमने इसको कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैं सिलाई कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा दूरी से कर रही हूँ, मतलब जैसे कि हम पतली एकदम सिलाई पहले करते थे तो उस तरीके से नहीं करनी है, थोड़ी सी दूरी पे रखनी है। जितनी हमें पाइपिंग चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा, या आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि हमने अभी ये हाफ फोल्ड किया है, बिल्कुल इसके सेंटर में हमने सिलाई लगानी है, आधा इस तरफ रखना है और आधा इस तरफ। इस तरीके से आपने इसको ध्यान में रखना है। ये देखिए, अभी मैं आपको स्टिच करके पूरा इसको कम्प्लीट करके दिखाऊँगी। ये देखिए, ये सिलाई हो जाने के बाद, तो अब आप सिलाई जो देखेंगे इसकी, देखिए काफ़ी दूरी पे है, ये मैंने काफ़ी दूरी पे इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने जो दूसरी सिलाई लगानी है, अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे दोस्तों, तो वो क्या है, यही आज का मेन सीक्रेट है। तो बिल्कुल इसके बराबर से अंदर की तरफ पे हमने लगानी है सिलाई, जिस तरफ हमारा ये जुड़ा हुआ कपड़ा है ना, उस तरफ पे आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल बारीक सिलाई जितनी की हमें अपनी रिक्वायरमेंट है जो हमारी डोरी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक तो हमारी मजबूती हो जाएगी डबल वाली जो हमारी सिलाई है उससे, और इससे हमारा एक तो सिलाई एकदम सीधी आएगी क्योंकि हमारे पास एक मेज़रमेंट हो जाएगा कि हाँ अगर कहीं से टेढ़ी भी होती है तो इस तरीके से हम इसको सीधा कर सकते हैं। दूसरा, जब कोई जोड़ आता है बीच में तो उसमें भी मजबूती हो जाती है, और डोरी को जब हम सीधा करते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों जो हमारी सिलाई हैं वो बिल्कुल हमारी एकदम एक बराबर लगी हुई हैं, और बिल्कुल बारीक डोरी हमने इसमें लगाई हुई है। तो यहाँ पर जो आप देखिए इसको सीधा करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पर आपने इसको नॉट लगा लेनी है, डबल फोल्ड करके यहाँ पर धागा डालना है, ये आपने ध्यान रखना। लंबा धागा डालें कभी भी लंबी डोरी बनाएं तो। अब ये जो कोन जैसा निकला हुआ है ना, इसको आपने अंदर करना है सुई से, और उसके बाद हमने सुई इसके अंदर पीछे की तरफ से अंदर डालनी है। तो ये जो सिलाई होती है ना, इतनी ही सिलाई होती है कि आप इसमें डबल सुई इसको अंदर कर सकें, इससे ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए सिलाई, बराबर और पतली पाइपिंग के लिए ये भी एक सीक्रेट है, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से सीधा कर लेना है। बिल्कुल आपने एंड में सारा ये करने के बाद, अब देखिए ये जो हमने अंदर किया था ना, इसको आपने एक बार इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा दें और फिर आपने इसको इस तरीके से खींच लेना है। तो ये डोरी सीधी करने में भी आसानी होती है। सबसे बड़ी बात, आप कितनी भी बड़ी डोरी बनाएं दोस्तों तो ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए ये डोरी हमारे यहाँ से खींच निकल गई है बाहर की तरफ, तो अब आपने बस कपड़े को पीछे करते जाना है और ये हमारी बारीक डोरी बनके तैयार है, ठीक है। ये देखिए, आपने कट कर देना है। तो ये जो सीक्रेट है ये हम प्रोफेशनल लोग सब इसी को अपनाते हैं। तो आप देख रहे हैं डोरी जो है हमारी हर तरफ से एकदम बराबर बनी हुई है, मजबूत बनी हुई है, ठोस है एकदम, ये नहीं कि यहाँ से थोड़ी सी कमज़ोर सी लग रही हो, एकदम ठोस जो डोरी है। ये देखिए, ये मैंने 2 मीटर लंबी पहले से बना के रखी हुई है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया है कि इसमें आप कितनी भी लंबी डोरी बनाएं, कितनी भी जोड़ आ जाएं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का ये सीक्रेट आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।